मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 8,900 से ज्यादा केस, 23 की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत, 5,514 नए केस। वैक्सीन पर केंद्र और महाराष्ट्र के बीच गहराया विवाद, उद्धव के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लगाया भेदभाव का आरोप। राजेश टोपे का दावा, महाराष्ट्र को आबादी के हिसाब से कम दी जा रही है वैक्सीन, जबकि गुजरात को जरूरत से ज्यादा स्टॉक की सप्लाई। टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र को हर हफ्ते 40 लाख टीके की जरूरत है, जबकि प्रदेश के पास सिर्फ 17 लाख का स्टॉक। कोरोना के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भड़के शिवसेना के सांसद संजय राउत, कहा महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। केंद्र ने राजेश टोपे के आरोपों को खंडन किया, बोले वैक्सीन की कमी नहीं है, सबको जरूरत के हिसाब से मिलती है, महाराष्ट्र सरकार नहीं करती है प्लानिंग। बीड में 8 कोरोना मृतकों का एक ही चिता पर किया गया अंतिम संस्कार, सरकारी अस्पताल में हुई थी मौत। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब सरकारी और निजी दफ्तरों में भी लगेगा टीका, 11 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के बीच महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ, पुणे में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नागपुर में लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी, थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया गया। कोरोना के भयानक संक्रमण के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हैं हालात, मुंबई के दादर में मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हुए अस्पताल से डिस्चार्ज, कोविड के चलते भर्ती हुए थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी लगवाया वैक्सीन का दूसरा डोज, 11 मार्च को पहली बार ली थी पहली वैक्सीन। नांदेड़ में सामने आई है हैरतअंगेज घटना, वैक्सीन की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। गुजरात में बढ़ते संक्रमण के दौर में बेकाबू हो रहे हैं हालात, ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल हैं, वेंटिलेटर और आईसीयू भी खाली नहीं। सूरत में कोरोना के खतरे के बीच सरकारी अस्पताल के लिए वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लगी, लोगों का आरोप है कि ब्लैक में बेचा जा रहा है कोरोना का टीका। 100 करोड़ की वसूली के मामले में उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अनिल देशमुख केस खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। वसूली के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया है परमवीर का बयान, करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। पूछताछ से पहले आज सचिन वाजे की हुई मेडिकल जांच, वाजे ने की थी सीने में दर्द की शिकायत। वाजे मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व ऑफिसर प्रदीप शर्मा से भी आज एनआईए की दूसरे दौर की पूछताछ, वाजे के सीनियर थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शर्मा। औरंगाबाद में पुणे रोड पर 108 एम्बुलेंस में आग लगने के बाद धमाका हुआ, हवा में उड़े एम्बुलेंस के टुकड़े। अमानी परिवार पर सेबी ने लगाई है 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी, टेक ओवर के नियमों का पालन नहीं करने पर मुकेश, अनिल, नीता और टीना अमानी पर लगा है जुर्माना। फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी बने हैं देश के सबसे अमीर कारोबारी, साइरस पूनावाला और दिलीप संघवी पहली बार टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही गोल्ड की कीमतों में फिर से तेजी आई, 40,000 के पार पहुंचा है सोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों के काफी सेंटर्स में वैक्सीन की कमी हो चुकी है, कई सेंटर्स बिल्कुल बंद करने पड़ गए हैं, जबकि काफी जगहों से 2 से 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। महाराष्ट्र की शिकायत यह है कि जितनी स्पीड से उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए उतनी स्पीड से वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक हफ्ते के भीतर ही टीकाकरण अभियान रोकना पड़ेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वहां देश में सबसे ज्यादा कोरोना के 55% केसेस हैं, जबकि सिर्फ 7.5 लाख डोज ही केंद्र से उन्हें मिल रही है, जबकि यूपी को 48 लाख डोज, एमपी को 40 लाख डोज, गुजरात को 30 लाख डोज और हरियाणा को 24 लाख डोज दी जा रही हैं। लेकिन केंद्र का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ने प्लानिंग ठीक से नहीं की। वैक्सीन की सप्लाई को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है और जरूरत के हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। अब महाराष्ट्र से आ रही इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। पनवेल, यहां बोर्ड लगा हुआ है कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। सतारा में वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा है। अमरावती में वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा है। कोल्हापुर में बोर्ड लगा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। बारामती में सेंटर खाली है। ये महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव की कुछ तस्वीरें हैं।
कई जगह वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। बुधवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि महाराष्ट्र के पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है, जिसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार महामारी को रोकने में लगातार फेल रही है, इसी नाकामी को छुपाने के लिए ध्यान भटकाने वाली बातें कर रही है और लोगों में पैनिक फैलाया जा रहा है। गुरुवार को राजेश टोपे ने केंद्र पर एक और गंभीर आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र को कम वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन की सप्लाई में महाराष्ट्र के साथ पक्षपात हो रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि यूपी, एमपी और गुजरात जैसे राज्यों को महाराष्ट्र से ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है, तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो डेढ़ दिन में ये खत्म हो जाएगा, डेढ़ या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। देखिए, रिलीज ऑर्डर मेरे हाथ में है, अभी केरला में दिया गया है 4,74,000 4,74,000, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में दिया गया है 33,76,220, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में दिया गया है 7,43,000, जो अभी जस्ट बदल दिया है कि 17 लाख का उन्होंने अभी नया उसमें किया है। सिर्फ महाराष्ट्र में मैंने जो सवेरे फोन किया था, मुझे लगता है उसके बाद एक 10 लाख का एडिशन किया है, नहीं तो एक्चुअल ऑर्डर में 7,43,000 ही है। ये सेपरेट ऑर्डर मेरे फोन के बाद किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ है, जिसे 1,04,00,000 वैक्सीन दी गई। गुजरात, जिसकी जनसंख्या 6 करोड़ है और सिर्फ 17,000 एक्टिव केस गुजरात में है, उसे 1 करोड़ वैक्सीन दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि टीकों की कमी का आरोप गलत है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टोपे के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा और आरोपों को गलत बताया। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है, हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया, 5 लाख डोज कम नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को डोज दे रही है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। आज तक ने महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को लेकर ग्राउंड पर रियलिटी चेक भी किया। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमतरता को लेकर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने सेंटर को लिखा है। मुंबई में अगर आप बात करें, 120 सेंटर्स हैं, उसमें से कई ऐसे प्राइवेट सेंटर्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन डोज आज के दिन नहीं दिया गया है। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो लगभग 100 से 150 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, और जो बीएमसी रन फैसिलिटीज है उनका भी कहना है कि उन्हें डेली बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है वैक्सीनेशन का, उसके डोजेस सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों की एक तरह से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लेना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि 4 से 6 दिन में जो एग्जिस्टिंग डोज है वो खत्म हो जाएगा। हमने हमारी बेनिफिशियरी लिस्ट इस तरह से मेंटेन रखा है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो, और हमारे को भी पता है कि इन द लास्ट 2-3 दिनों से सर्च थोड़ी सी बढ़ गई है कोविड केसेस में। इस हिसाब से हमने प्लान किया कि ओवरक्राउडिंग ना हो। आज के करंट कंडीशन में मेरे पास आज और कल के लिए स्टॉक्स है, जो मैं बेनिफिशियरीज को जैसे मैंने रजिस्टर कराया है उनको दे सकता हूँ। देश में महाराष्ट्र वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर है। यहाँ रोजाना 4 लाख वैक्सीन लगाई जा रही हैं और अब तक 92 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों का भी हाल देखिए। सतारा में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, सांगली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, गोंदिया में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, उस्मानाबाद में सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक बचा है, सोलापुर में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, कोल्हापुर में भी वैक्सीन आज खत्म हो गई है, नासिक में सिर्फ 4-5 दिन का स्टॉक बचा है, चंद्रपुर में स्टॉक खत्म हो चुका है, अमरावती में वैक्सीन का सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक बचा है, वाशिम में सिर्फ 2 दिन के लिए ही वैक्सीन बची है, यवतमाल में भी आज स्टॉक खत्म हो चुका है, रायगढ़ में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, ठाणे में 3-4 दिन के लिए वैक्सीन का स्टॉक बचा है, नवी मुंबई में भी आज वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। जो हमारा जो अवेलेबल जो लस थी वो अभी खत्म हो चुकी है, हमने डिमांड की है जल्दी लस मिल जाएगी। हमने अभी सब सेंटर में भी लसीकरण चालू किया है, तो हर रोज हमारे 170 to 180 सेशंस हो रहे हैं,
टोटल 445 तक हमने सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और सभी जगह लसीकरण चालू है। अभी देखो कि सातारा ज़िले में रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, 20,000 टू 25,000 तक डेली हम डोज दे चुके हैं। डोज उपलब्ध होने के बाद फिर से हम जोर से लसीकरण चालू करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हो चुके हैं। रोजाना नए केसों के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि केस अगर इस रफ्तार से आते रहे तो उनका मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोरोना से बचने के लिए महाराष्ट्र को वैक्सीन की बड़ी जरूरत है। मुंबई से कमलेश सुतार और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में महाराष्ट्र पीछे नहीं है और इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि अकेले महाराष्ट्र की वजह से पूरे देश की कोरोना से लड़ाई गर्त में चली गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़े हुए आंकड़े नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 376 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना का सबसे भयानक तांडव महाराष्ट्र में हो रहा है। रोजाना आए नए केस पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राज्य सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक अगले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो जाएगी। राज्य ने केंद्र को बता दिया है कि उसे दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में अभी 61% से ज्यादा ICU बेड भर चुके हैं, जबकि कोरोना मरीजों के लिए मौजूद 9000 वेंटिलेटर बेड में से 34% पर मरीज आ चुके हैं। नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, लातूर और यवतमाल जैसे जिलों में 90% से 100% बेड भरे हुए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,938 नए मामले आए हैं और 23 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो 7 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 10,428 नए केस आए थे और 23 मरीजों की मौत हुई थी। 6 अप्रैल को कोरोना के 10,030 नए केस आए और 31 लोगों ने दम तोड़ा। 5 अप्रैल को 9,857 नए केस आए और 21 लोगों की मौत हुई। 4 अप्रैल को 11,163 नए केस आए और 25 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा केस हाई राइज से आ रहे हैं। 700 से ज्यादा ऊंची इमारतों को सील किया जा चुका है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कई हाई राइजेस बिल्डिंग भी है जिन्हें सील किया जा रहा है क्योंकि उसमें केसेस ज्यादा है। इस वक्त हम नेपेंसी रोड में दरिया महल बिल्डिंग पर खड़े हैं, जहां पर ए विंग में 15 केसेस, बी विंग में 9 केसेस है, जिसके बाद दोनों विंग्स को इस बिल्डिंग के सील कर दिया गया है। ऐसी कई हाई राइजेस मुंबई में है, तकरीबन 700 बिल्डिंग्स हैं जो मुंबई में सील हो चुकी है। जो सेकेंड वेव है कोविड की, उसमें नॉन स्लम एरियाज हाई राइजेस में ज्यादा केसेज आ रहे हैं, ऐसा BMC का कहना है। यहाँ पर भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लेने के कहा गया, क्योंकि इन जो जगह है यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो कोरोना से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। लॉकडाउन इस हफ्ते से शुरू हुआ है लेकिन उसका अब तक कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन इकोनॉमी पर लॉकडाउन का बुरा असर दिखना शुरू हो गया है। दुकानें, मॉल, होटल, निजी ऑफिस सब बंद है, जिसके बाद भारी संख्या में मजदूर अपने गांवों को पलायन कर रहे हैं। पुणे, मुंबई जैसे शहरों से यूपी बिहार जा रही ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि कामगार दरवाजे पर खड़े होकर अपने घर लौट रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं कोरोना की वजह से जा रहे हैं सर, लॉकडाउन लग रहा है, काम धंधा है नहीं, सभी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही है, इसलिए जा रहे हैं गांव सर। अच्छा, फिर आने का कब सोचा? आने के अभी माहौल सही हो जाएगा सर, जो महीना, दो महीना, चार महीने लगेगा, जो माहौल सही हो जाएगा तो आएंगे सर। गांव जा रहे हैं, यहाँ पे नौकरी पानी मिल रही नहीं रही है, कोरोना का माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छुट्टी वुट्टी मिल रही है डेली, दो तीन गाँव चलेगा, 10 दिन बंद रहता है तो उसमें क्या होने वाला है। अच्छा। इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई है, जो दुकानें बंद हो गई हैं, सारे धंधे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियों में आधा काम हो गया है। इसकी वजह से जो मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, वो सब कह रहे हैं कि आप अपना अपना काम वापस लौट जाओ, हम आपको पगार नहीं दे सकते। इसलिए बड़े पैमाने पर देख रहे हैं लोग जा रहे हैं अपने अपने गाँव में, ये गलत हो रहा है। पिछले साल ऑलरेडी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई थी इसी लॉकडाउन की वजह से। हम बार बार कह रहे थे कि दोबारा लॉकडाउन मत लाइए वरना लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के नाम पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि लोग मजबूरन अपने अपने गाँव जा रहे हैं। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। जरूरी है कि एहतियात बढ़ता जाए क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में बढ़ रहे हैं।
इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।